कुछ ही दिन पहले मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड भी चले गए, तो वो मेरे पास आए कि आपने ये इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त किया। तो मैंने उनको फिर एक ही बात कही कि देखो, जो चला गया है तो उसके बारे में, वो जो होना है वो तो होना ही है, तो फिर चिंता किस बात की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लाइफ को उसी तरह स्मूथली वैसे ही जियो जैसे आप जी रहे हो, और लोगों के लिए एक ऐसा हो कि वाह जिए तो ये इन्होंने जिया है, तो इस तरह से जीना है। एंटरप्रेन्योर टू लाफ्टर योगा, ये शिफ्ट चेंज ये आपने कैसे बिजी रखो किया? अपने आप को कि टाइम ही ना मिले कुछ सोचने का, या नेगेटिविटी की बातें सुनने का या सोचने का। तो सबसे अच्छी बात है कि अपने आप को बिजी रखना और पॉजिटिव और खुश रहना सबसे पहले है। कोई भी कितनी भी आफत आ जाए, अरे यार छोड़ो, सब ठीक रहते हैं। अब बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी हुई आपसे ये वाला मिलके। थोड़ा डिफिकल्ट है, एकदम चुप रह के हंसना। ये तो तब आती है जब क्लास में टीचर पढ़ा रही हो और आप अपने फ्रेंड को कंटिन्यूअसली देख रहे हो। एक दो तीन चार दिन में हंसो बार बार, एक दो तीन चार दिन में हंसो बार बार, एक दो तीन चार दिन में हंसो बार बार, पांच छह सात आठ सबसे करो हंस के बात, सबसे करो हंस के बात, 9 10 11 12 कल मिलेंगे फिर दोबारा। वाह ठीक वाह है। वाह वाह, मजा आ गया जी, क्या शानदार शुरुआत की है। दोस्तों, उदासियों की वजह तो बहुत होती है, परेशानियां तो चारों तरफ से हमें हर समय घेर के बैठती हैं, लेकिन बेवजह हंसने का मजा ही अलग है। अब आप सोचोगे कि बेवजह कौन हंसता है, मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी हस्ती से जो बेवजह ना खुद हंसती है बल्कि जमाने को भी हंसना सिखाती है। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट शशि खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे कि आपने टाइम निकाला और आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपके एक्सपीरियंस, लाफ्टर के एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनल जिंदगी की बातें, तो वो सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे। तो कैसा लग रहा है आज आपको हमारे स्टूडियो में आके? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर आपसे मिलकर, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ये रबानी जॉली वंडर गर्ल, अब ये मेरे साथ मेरा शो होस्ट करती हैं, तो आज ये भी बहुत सारे अपने जो इनके विचार, जो इनके मन में बातें हैं। आंटी, मैं आपके बहुत सारे क्लब से जुड़ी हुई हूँ और मैंने बहुत बार ऐसे नोट किया है कि वहां पे मैं सबसे छोटी होती हूँ, या तो लाइक एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 3 इयर्स के। तो मेरे को एक ये डाउट होता है हमेशा कि जो मेरी जेनरेशन है, लाइक जेन जीज है, जो वो लाफ्टर की तरफ क्यों इतना नहीं जुड़े हुए, व्हाई आर दे आउट ऑफ इट? एक्चुअली उनको स्टडी का प्रेशर है, और दूसरा ये कि वो बच्चे जो हैं बहुत मिस कर रहे हैं मॉर्निंग में उठने का, लेट नाइट तक सोते हैं, और फिर सुबह उनका जब वो लेट सोएंगे तो सुबह उठेंगे भी। उनको सबसे पहले है कि जल्दी सोना और जल्दी उठने की हैबिट सबसे पहले घर से मिले। तो क्या है कि वो बच्चे जो हैं वो देर से उठेंगे तो पार्क नहीं जा पाएंगे, तो वो जो लाफ्टर है वो मिस करते हैं सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक। वो एक्चुअली सोने पर ही ज़्यादा देते हैं कि भाई मैं सो जाऊं और रेस्ट करूं, क्योंकि नेचुरली नींद पूरी नहीं होगी उनकी, तो जब नींद पूरी नहीं होगी तो फिर कैसे पाक में आएंगे। तो वो बहुत मिस करते हैं बच्चे, तो बच्चों को सबसे पहले हैबिट घर से पड़े कि उनको टाइम से सोएं और टाइम से उठें और फिर पाक जाएं, तो ये मिस ना बट इन द डिफेंड ऑफ करें। जेंजीज मैं ये कहूंगी कि मैं खुद बहुत बार लेट सोती हूँ, क्योंकि यस हमारे स्कूल से जो काम आता है यस वो कई बार आता ही 12 बजे, एंड आपको एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपने नेक्स्ट मॉर्निंग उसको करके लेके आना ही है, ओके क्योंकि मार्क्स मिलने होते हैं ओके। उसके। तो इन द डिफेंड ऑफ जेंजीज मैं ये बात कहूंगी। लेकिन ये मैं तो यही कहूंगी कि अपने लिए, चाहे
चाहे जैसे भी है, मॉर्निंग का एक सिर्फ एक घंटा अपने लिए निकाले सब बच्चे। मैं जब भी स्कूल्स वगैरह में जाती हूँ, कॉलेजेस वगैरह में भी जाती हूँ, मैं सिर्फ यही बच्चों को बताती हूँ कि बेटे एक सुबह मॉर्निंग का एक घंटा अपने लिए निकालो, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो ये जरूरी है। आप लाक्टर एम्बेसडर हैं, आप फाउंडर मेंबर हैं अपने एरिया के, जो आपने लाक्टर क्लब बनाया, आपको ऐसी कौन सी मूवमेंट थी या ऐसा कौन सा पल या कौन सी ऐसी चीज ने आपको अट्रैक्ट किया कि ये लाफ्टर मेरी लाइफ को बदल सकता है या इस लाफ्टर से मुझे जिंदगी में ऐसा एक पॉजिटिव बदलाव आएगा जिससे कि मैं बहुत कुछ नया कर पाऊंगी, जिस मुकाम पे आज हैं, तो वो ऐसी क्या चीज थी, उस स्पार्क के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा था कि मेरे हस्बैंड एक लास्ट ईयर गए, तो उनके जाने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि भाई आप अगर रोते ही रहोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं करोगे। और आप ये सोचो कि वो जहाँ भी होंगे, वो जिस भी रूप में होंगे, तो वो आपको रोते हुए देख के वो खुद परेशान हो जाएंगे। तो आपने हंसना नहीं छोड़ना, आपने अपनी लाइफ को, मेरी उसकी एक लाइन ने मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। तो मैंने, मेरी फैमिली ने और मेरे जो जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो आए, मैं गई पार्क में, गई फर्स्ट टाइम गई, और उस टाइम मुझे थोड़ा सा, एक बच्चा था जो मेरे सामने आया, बिल्कुल नहीं हंसता था, तो उसके अपने फादर के साथ आए, तो जैसे मैंने लाफ्टर करवाया तो वो एकदम से हंसना स्टार्ट हो गया जी। तो वो कहते हैं ऐसा कौन सा जादू है जो, ये तो कभी हंसता ही नहीं था बच्चा, तो इसने हंसना स्टार्ट कर दिया। तो लाफ्टर ऐसी चीज है जिससे बहुत कुछ मिल जाता है। मींस की भी चिंगारी एक पॉजिटिविटी की हो, लाफ्टर की हो, वो कभी भी किसी की भी जिंदगी को बदल सकती, चेंज कर सकती। आपको बहुत सारे अवार्ड एप्रिसिएशन भी मिली है, पंजाब केसरी ने भी आपको ऑनर किया हुआ है, उनके जो जो आपके एप्रिसिएशन हैं वो प्लीज आप शेयर कीजिए। हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड ने कोरोना टाइम में दोनों ने पंजाब केसरी की कोई भी प्रोग्राम होते हैं, हालांकि इवन ऑनलाइन भी हम लोग ये लाफ्टर की क्लासेस दोनों हस्बैंड वाइफ चलाया करते थे जी। तो उसके बाद ये पंजाब केसरी के जो भी कोरोना में, तो हम मिल तो सकते ही नहीं थे किसी से, तो ऑनलाइन में हम लोगों ने लाफ्टर के साथ साथ, वो हमें ना एक दे देते थे भी, आपने इसके ऊपर लिखना है या इस टॉपिक पे आपको बोलना है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ सॉन्ग बोलते थे, एक्टिंग करते थे, बहुत कुछ करते थे कोरोना टाइम में पूरे में। तो बड़ा अच्छा लगता था जब वो हमें कोई भी टॉपिक देते थे। और फिर मुझे वो एक्चुअली जो है सीनियर सिटीजन के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं ओल्ड एज होम वगैरह और सभी जगह जाया करती थी हस्बैंड के साथ। तो वो कहते थे कि भाई हमको देने वाले तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई नहीं होता। तो मैं उन, हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही हमेशा जाया करते थे टाइम स्पेंड करने के लिए उनके साथ, किसी की हमारी मैरिज एनिवर्सरी है या हमारा बर्थडे है किसी बच्चे का, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। स्कूल वगैरह में जाते थे, वो बच्चे जो हैं बड़े खुश होते थे कि अंकल आए हैं, हंसने वाले अंकल आए हैं, आंटी हंसने वाली आई हैं। तो इस तरह से मैंने, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जरूरी नहीं कि हमेशा हम पैसे से ही किसी की मदद कर सकते हैं। आज के टाइम में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बुजुर्ग सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई 10 मिनट उनके पास बैठ के बात कर लें, क्योंकि वो इतना अकेला, इतना असहाय अपने आप को महसूस करते हैं कि वो सिर्फ तरसते हैं कि कोई रॉन्ग नंबर भी मिल जाए तो भी उनकी कोशिश होती है कि 2-4 मिनट 5 मिनट इसी बात कर ली जाए। तो ये बहुत अच्छा, आपने गाने का जिक्र किया। हाँ जी, तो कोई एक गाना हम सुन मेरे सकते हस्बैंड हाँ जी मेरे हस्बैंड और हम दोनों पंजाब केसरी के लिए सॉन्ग बोला करते थे, तो उनको लिखने का बड़ा शौक था हस्बैंड को, तो उनकी बहुत सारी बुक्स निकली हैं जो लिखते थे, मेरे को अभी मिली हैं उनकी बुक्स। तो उन बुक्स में उन्होंने इतने प्यारे प्यारे गाने लिखा करते थे,
तो मैं उनके गाने कहीं पर भी जाती हूँ तो वो गाने जरूर सुनाती हूँ। तो एक हम लोग अमृतसर से हैं, तो एक अमृतसर का हमारा पंजाबी गाना है, कभी भी खुशी होती है या बहुत खुश होते हैं तो हम वो लोग बोलते हैं। तो आज हमारे सभी देखने वालों को भी खुश कर दो उस गाने से। बर्फी आई वजे शनाई, लड्डू नाल वे आई, बर्फी आई कोड़ी चिड़ी लड्डू दी, जंज निराली छाई, समोसाए दा बापूए, जलेबिये दी चाहिए। ओ, 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 इसी तरह उनके गाने बहुत सारे हैं, जैसे हाय शर्माऊं किस किस को सुनाऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। खन्ना जी अपनी तरफ से कहते हैं, मेरियां तीन करवालियां, मेरियां तीन करवालियां, ऐसे बहुत सारे गाने वो लिखा करते थे और उन्हीं का ही अभी मैं सभी को सुनाती हूँ सॉन्ग। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी रिसेंटली मैंने लाफ्टर डे का भी एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इवेंट मैंने अटेंड किया था, रोहिणी में मैंने अटेंड किया था, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम लाफ्टर डे को एक नेशनल कस्टर्ड हॉलिडे बना दें तो क्या होगा? बहुत अच्छी बात है ये तो, कि हम लोग इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा है ये तो आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया है, जो कभी नहीं छुट्टी मिल जाएगी। सब बच्चों को, सब जेंडीज को, मैम आज छुट्टी कर रहे हैं, आज स्कूल आने का मन नहीं है, आज छुट्टी ले रहे हैं। तो वो अगर वो ऐसे, क्योंकि मैं ऐसे मतलब जो मैं सोचती हूँ वो हमेशा ऐसे ही होते सही से, मतलब क्वेश्चन होते हैं कि जो मतलब मेरे दिमाग में आता है मैं वो सीधा पुट अप करती हूँ मैम। यस सर। तो अगर हम इसको छुट्टी बना देंगे तो सबको होगा कि छुट्टी मिल गई, तो वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आपके क्लब में, लाफ्टर क्लब में टीचर्स, प्रिंसिपल, बिजनेसमैन और अलग अलग कुछ फैक्ट्री वाले भी हैं, सब अलग अलग उससे आते हैं, तो ये जो लाफ्टर थेरेपी है इसके लिए क्या एज ग्रुप के मुताबिक, या लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, या सभी के लिए कुछ कॉमन चीजें ऐसी हैं जो सभी को मतलब कि ये थेरेपी हेल्प करती है? ये एक ऐसी हास्य योग पद्धति है जिसमें बिना किसी जोक के, बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के हंसा जा सकता है, और किसी भी जात पात का कुछ नहीं है, कोई बच्चा है, बड़ा है या कोई है, तो ये हास्य योग कर सकता है। सिर्फ एक यही चीज़ है जो हास्य योग हम लोग कर सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल भी अगर हम हंसते हैं ना तो हमें उतना ही फायदा होगा जितना ओरिजिनल हंसी में है। तो हंसने के लिए कोई जात पात या कोई छोटा बड़ा या कोई बुजुर्ग नहीं चाहिए। हंसी तो एक ऐसी चीज़ है कि हंसी, कहते हैं ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसन, तो ये बेस्ट मेडिसन है। मैं, आपने ये जो कहा कि हंसी कहीं भी कभी भी मिल सकती है और सबके लिए, मैं कल परसों शाम को 8:30 के करीब बाहर निकला घर के, मेरे एक पड़ोसी हैं एक दो घर छोड़ के, तो नॉर्मली डाइनिंग टेबल पे तो सारे डिनर करते हैं, तो मैंने देखा उनकी स्कूटी खड़ी है बीच में और साइड में सारी फैमिली खड़ी है और वो डिनर कर रही है। मैं बड़ा हैरान कि ये कैसी डिनर पार्टी हो रही है। एक्चुअली उनका कुछ प्रोग्राम बना डिनर का, फिर बाद में ये हुआ कि दाल सब्जी हम बाहर से ले आते हैं, चपाती घर पर बना लेते हैं और डिनर हो जाएगा। तो बाई चांस वो दाल मखनी वगैरह जब लेके आए तो स्कूटी की टिक्की में उन्होंने रखी, उस पॉलीथिन उनका फट गया, तो दाल जो है वो स्कूटी में टिक्की में फैल गई पूरी तरह से। अब वो कुछ लोग होते हैं जो माशाल्लाह बड़े कंजूस, तो उन्होंने कहा कि दाल बेकार के करनी, वाइफ को कहते चपाती यही लेके आ, वो स्कूटी के आसपास खड़े हो गए और वहीं स्कूटी में से दाल लगा। जब मैंने आके इनको सबको बताया तो हम आधे घंटे तक इस सीन को इमेजिन करके हंसते रहे कि ऐसे इनको डिनर हो सकता। खुशी मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे दादू बता रहे हैं ना, एक बहुत ऐसे मेमोरेबल सी चीज बन जाती है कि कभी भी दोबारा बात करो तो इतनी हंसी आती है, हंसी रुकती नहीं। तो आपका सबसे मेमोरेबल लाफ्टर सेशन कौन सा था जिसमें आपको खुद इतनी हंसी आई कि वो अनकंट्रोलेबल हो गई? मेरी लाफ्टर में एक्चुअली सभी तरह के लोग आते हैं और इतना खुशी का माहौल होता है। हमारी मेरी क्लास में
दो तीन लेडीज ऐसी थी जो बिल्कुल कभी भी हंसती नहीं थी, और कुछ स्ट्रेस की वजह से उन्होंने कभी भी, आज तक उनके जो फैमिली के लोग थे वो कहते थे कि हम लोग बहुत परेशान हैं जी, ये लोग डिप्रेशन में हैं। एक्चुअली एक लेडी थी जिसका मतलब अपने स्टेटस के हिसाब से उसको फैमिली नहीं मिली, एक और थे उनका सब कुछ चला गया, मतलब गोल्ड वोल्ड चला गया, तो डिप्रेशन में आ गए थे। तो मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने उनसे मिली, वो मेरे साथ मिली, तो मैं लाफ्टर करवा रही थी, बाय गॉड वो इतनी अच्छी तरह से हंसी, उनकी स्माइल देखे और इतनी प्यारी उनकी स्माइल थी, जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आप तो डॉक्टर हैं आप हमारे लिए मॉडर्न टाउन में रहते हैं, उनके कि हमारी बुआ जी हैं, आप उनको भी एक बार हंसाओ। तो मैंने कहा आप उनको लेके आओ हमारी क्लास में, तो वो अपने आप ही हंसेंगे। तो वो जो उनका हंसने का था, जैसे पता नहीं वो कब से नहीं हंसी थी, उनका वो जो सीन है, वो लाफ्टर, मुझे उस टाइम का जो लाफ्टर था वो मुझे अभी भी आंखों के सामने आता है, कि वो जब मैं याद करती हूँ पल, कि वो दोनों जने कैसे हंसे हैं और उनके जो हस्बैंड थे वो खुश हुए कि आज कितनी सदियों बाद ये बच्ची हंसी है। मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे लाफ्टर की क्लास होती है तो इसमें आगे मतलब फ्यूचर क्या है, क्योंकि एज जेन ज़ी हमें सब कहते हैं कि इस चीज में आगे फ्यूचर क्या है, तो वो क्वेश्चन हमेशा मेरे ऐसे लिंगर ऑन करता रहता है कि हर चीज का आगे फ्यूचर क्या है, वो पता करता है मुझे। देखिए इसका बहुत फ्यूचर है आगे, आगे टाइम में देखो टेंशन में लोग इतना जी रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, एक टेंशन लेने की आदत पड़ गई है, वो छोटी छोटी बातों से टेंशन लेते हैं। मान लो आज बस ही नहीं आई है, टेंशन ले ली, कोई टेंशन हो गई, बस नहीं आई, मेड नहीं आई है तो टेंशन, मतलब उनकी आदत एक बन चुकी है छोटी छोटी बातों से टेंशन लेने की। तो अब ऐसा टाइम आ जाएगा कि उनको हंसी की जरूरत पड़ेगी, तो हंसना बहुत ज़रूरी है, वो किसी तरह से भी हंसा जाए। आप ये नहीं कि हम लाफ्टर में लाफ्टर करके आ गए हैं और आकर फिर हम बस खत्म हो गया, नहीं, घर आकर उसको फिर भी छोटी छोटी बातों से एंजॉय करके हंसें, तो हंसना बहुत ज़रूरी है, तो हंसी हमारे आगे जाके इसका फ्यूचर बहुत जाएगा, क्योंकि ये सभी को जरूरत पड़ेगी इस लाफ्टर की। आंटी जैसे अभी आपने बताया कि इसमें आगे बहुत वास्ट फ्यूचर है, क्योंकि इन द कमिंग ईयर्स इस सबको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मी बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मैं भी, मैंने साइकोलॉजी ली है 11th में, तो साइकोलॉजी में भी आगे काफी अपकमिंग फ्यूचर है, बिकॉज अगेन सबको इतना मेंटल प्रेशर मेंटल स्ट्रेस है कि लोग बहुत सिवियर बीमारी की तरफ जा रहे हैं ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस। तो अगर हम लाफ्टर को और साइकोलॉजी को जोड़ दें तो क्या होगा? देखिए बेटे ऐसे है कि दोनों चीजें, आप स्टूडेंट हैं लेकिन ये देखो कि किसी भी चीज को, लाफ्टर की किसी भी चीज को अगर हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, अगर वो आपका थोड़ी देर के लिए रुके हंसे, जैसे अभी हम मेरे साथ मम्मी जी आए, उन्होंने कहा आप टाइम से नहीं पहुंचे, मैंने कहा यार क्या हो गया, टाइम से नहीं पहुंचे तो क्या हो गया, 10 मिनट लेट हो जाएंगे, अरे यार छोड़ो हंसना स्टार्ट। तो किसी भी चीज़ को अगर हम पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो वो हमारे लिए, चाहे वो स्टडी हो या कुछ भी हो, तो वो बहुत अच्छे से जाएगा। तो पॉजिटिव वे में लेते हुए, कि अगर हम नेगेटिविटी में लेंगे तो वो तो फिर हमें वो स्ट्रेस का करेगा काम, तो हमें जो है पॉजिटिव वे में लेके करना। कि अभी 10-15 मिनट पहले ही मैं पम्मी जी से कह रही थी, मैं कहती थी पम्मी जी मैं पूरे, एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो सभी के, देखो स्मूथ लाइफ किसी की नहीं चलती है, कुछ ना कुछ तो चलता ही है लाइफ में, तो हम खुद स्टेबल रहेंगे ना तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, जब खुद हम स्टेबल नहीं है तो हम किसी को नहीं देख पाएंगे, तो स्टेबल रहने के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, तो बी पॉजिटिव। अब आप जैसे बताया कि अभी आप सिंगल हैं, साहब चले गए, तो उसके बाद मॉर्निंग से लेके लाफ्टर और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज, ये जो सारा कुछ करते हैं, इसके अलावा और आपकी सोशल क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आप इसलिए शेयर करें ताकि कुछ लेडीज कुछ जेंट्स, जब एक पार्टनर चला जाता है तो उन्हें लगता है कि शायद हमारी दुनिया खत्म हो गई, अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है लाइफ में। लेकिन अब मेरे भी मिसेज नहीं रहे, वो भी तकरीबन 8 साल पहले चले गए, उनको ब्लड कैंसर था, लेकिन अकेलापन एक चीज़ है
लेकिन एकांत में अपने साथ रहना उसका बड़ा आनंद है। तो आप इस फेज को कैसे देखती हैं और क्या क्या सोशल अचीवमेंट्स आपकी हैं और कैसे इस फेज को फेज के लिए दूसरों को इंस्पायर करेंगे? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हस्बैंड के जाने के बाद मैंने कुछ टाइम के लिए तो मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। तो मैं मेरी दिन की शुरुआत इस तरह होते हैं, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले उठ 5 बजे उठकर सारा नाश्ता वाश्ता तैयार करके मन नहा धो के अपना चले गए मंदिर गुरुद्वारे। गुरुद्वारे जाने के बाद फिर पार्क में गए। पार्क जाने के बाद फिर मैंने अपने शॉप पर 10:30 बजे बच्चों को भी अच्छे से देखना, और कहीं पर जब भी कहीं जाना हो तो मंडे के दिन मैंने रखा हुआ है कि कहीं पर भी जाना है तो मंडे को एक दिन रखा हुआ है। बाकी डेली पार्क में जाती हूँ और सबको सब लोग, अभी कुछ ही दिन पहले मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड भी चले गए, तो वो मेरे पास आए कि आपने ये इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त किया। तो मैंने उनको फिर एक ही बात कही कि देखो जो चला गया है तो उसके बारे में वो जो होना है वो तो होना ही है, तो फिर चिंता किस बात की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ को उसी तरह स्मूथली वैसे ही जियो जैसे आप जी रहे हो, और लोगों के लिए एक ऐसा हो कि वाह जिए तो ये इन्होंने जिया है, तो इस तरह से जीना है कि लोग बाद में ये सच। मैं चाहती हूँ कि खुशियाँ बांटें जितनी हो सके। कहते हैं रोते हुए को हंसाना एक बहुत पुण्य काम है ना, बहुत पुण्य का काम है रोते हुए को हंसाना, और भूखे को खाना खिलाना और पानी पिलाना ये बहुत पुण्य का काम है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम किसी का दुख बांटते हैं, कहते हैं ना कोई चीज़ अगर हम बांटते हैं, खुशी बांटते हैं तो दुगना होकर मिलेगी। तो खुशियाँ बांटे आपको वापस में वही चीज़ मिलेगी। आप जो चीज़ भेजते हैं वो हमारे पास वापस आती है, तो हमें वही चीज़ भेजें जो हमें चाहिए। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आप लाफ्टर के बाद शॉप पे जाते हो, तो फ्रॉम एंटरप्रेन्योर टू लाफ्टर योगा, ये शिफ्ट चेंज ये आपने कैसे किया? ये मैं एक एक सेकंड को एंजॉय से बिताना चाहती हूँ सभी, क्योंकि मुझे सभी कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों जाते हो आप, बिजनेस छोड़ो। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, बेटा जा रहा है वहाँ और मेरे से जब तक जितना जो हो सकता है मैं करती हूँ। तो ये एक टाइम जो है, इतना बिजी रखो अपने आप को कि टाइम ही ना मिले कुछ सोचने का या नेगेटिविटी की बातें सुनने का या सोचने का। तो सबसे अच्छी बात है कि अपने आप को बिजी रखना और पॉजिटिव और खुश रहना सबसे पहले है। कोई भी कितनी भी आफत आ जाए, अरे यार छोड़ो सब ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि आपके हर दिन की शुरुआत लाफ्टर के साथ होती है। जिस दिन लाफ्टर के साथ शुरू होती है, और कभी बाई चांस किसी दिन लाफ्टर नहीं कर पाए या लाफ्टर में नहीं जाते, तो उस दिन में और बाकी दिनों में क्या फर्क फील कर? लाफ्टर के साथ जो मेरा दिन बीतता है वो बहुत ही अच्छे से बीतता है, बड़ा एनर्जी वाला होता है, और इसी की कमी को मैं घर पर ही पूरा कर लेती हूँ, घर पर ही सबके साथ एंजॉय कर लेती हूँ, बच्चों के साथ या वैसे बाय चांस कभी जैसे नहीं जा पाए हैं किसी वजह से, तो सब लोगों के साथ जो भी मिला है, मान लो शॉप पर भी बैठा है कोई आ गया है, उसके साथ ही हंसना शुरू कर दिया, तो कहते भाई इसी से मान लो ये तो हंसती हुई मिलती है। देखो रोते हुए के साथ कोई नहीं बैठता, हंसते हुए के साथ सभी बैठते हैं, तो हंसना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने आज शुरुआत की 1 2 3 4 दिन में हंसो बार बार, रिपीट करते रहे कि बार बार हंसते रहे। हंसने की ये जो थेरेपी है इसको सिर्फ हम ग्रुप में क्लब में जाकर ही एंजॉय कर सकते हैं, इसका बेनिफिट वहीं से ले सकते हैं, या कि जो लोग हैं किसी रीजन से चल नहीं सकते या उनको फिजिकल कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो पार्क में नहीं आ सकते वहाँ पे, तो वो इस चीज़ का बेनिफिट अगर लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं? ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल रही हैं हमारी, डॉक्टर मदन कटारिया जी हैं जो उनकी, हाँ जी उनकी क्लास चल रही है, वो जो नहीं आ पाते वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, और बाकी तो क्लासेस तो चलती हैं। और कोशिश यही करनी चाहिए कि भी हम लोगों को कोई भी मौका हंसने का नहीं छोड़ना। तो लाफ्टर की स्टार्ट जो है, देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल
बात तक नहीं, किस स्ट्रेस से वो इतने परेशान है कि उनके उनको उन्होंने सदियों से हंस के देखा ही नहीं है। तो एक बार ये डॉक्टर मदन कटारिया जी की क्लास लें, और वो बहुत ही अच्छी क्लास कराते, काफ़ी देशों में हमारा लाफ्टर चल रहा है और बहुत ज़्यादा क्लासेस चल रही हैं। देखिए इसमें सभी कुछ है, इसमें योगा भी आ जाती है, लाफ्टर भी आ जाती है, छोटी छोटी एक्सरसाइज जो हमें खुशी देती है। हम ये सिर्फ लाफ्टर नहीं करते, इसमें हमारे क्या होता है, डांस होता है, अंताक्षरी होती है, और इतना एंजॉय करते हैं हम, जैसे बर्थडे है किसी का, मैरिज एनिवर्सरी है किसी की, और नहीं कुछ तो जैसे कोई मायके जा रही है तो उसके ऊपर गाना ही बोल दिया कि जान वाली हाय हाय निकिन्ना हाय निकिन्ना चीरिल, ऐसे छोटे छोटे बात, मतलब एंजॉय करना है किसी तरह भी करना है, तो ये एंजॉय करने के लिए है। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल तो नहीं करता कि इस प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए, बहुत मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के, और हंसी खुशी और लाफ्टर की बातें सुन के बड़ा रिजुविनेटिंग लग रहा है। तो आज का तो मतलब जो ये सेशन था कि बहुत मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये, और मुझे इसमें बहुत मजा आया, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। अपार्ट फ्रॉम लाफ्टर एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपकी और हॉबीज क्या क्या है, एंड व्हाट इज योर social activity except entrepreneurship and laughter? मुझे आश्रम में, स्कूल और ओल्ड एज होम, तो मैं यहाँ जाया करती हूँ, जैसे किसी की मैरिज एनिवर्सरी है या बर्थडे है तो जाया करती हूँ। तो आश्रम के लिए वो ओल्ड एज होम के लोग इतने वो ओल्ड ज़्यादा एज के हैं कि उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। अभी जैसे अभी हमारा प्रोग्राम है 8 को, उसमें सावन का, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी, ये तीन के ऊपर वो सभी एंजॉय करते हैं, और सभी इतनी 90-95 ईयर्स के लोग हैं भी हैं उसमें, तो वो डांस में भी लेते हैं हिस्सा, और कई उनको बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो क्लास हो रही है हमारी बहुत अच्छे से हो रही है। तो ओल्ड एज होम में भी जाती हूँ तो वो लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ पर जाकर। तो आज इन्होंने, जॉली जी ने हमें यहाँ बुलाया, तो भाई तारीफ तो बनती है। तारीफ मतलब वाओ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दो तीन चार जनों की डेली प्रशंसा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी एक्सरसाइज। तो ये हमारी छोटी छोटी जैसे मुँह हंसी है तो हम लोग चुप करके हंसते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, एकदम चुप रह के हंसना, ये तो तब आती है जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे हो और आप अपने फ्रेंड को कंटिन्यूअसली देख रहे हो। यस यस, योर कंट्रोल। चलिए बहुत अच्छा। अब एक हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आप खुद एक पर्सनैलिटी हैं, खुद एक इंस्पायरेशन है सोसाइटी के लिए, तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई खास मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि चाहे वो किसी भी एज के हैं, वो मॉर्निंग में उठें, मॉर्निंग में उठकर सिर्फ एक घंटा अपने लिए निकालें, पार्क में जाएं, मैं ये नहीं कहती लाफ्टर करें, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो वॉक कर सकते हैं, वो योगा कर सकते हैं, वो कुछ भी करे, लेकिन मॉर्निंग का 1 आवर सिर्फ अपने लिए, किसी के साथ नो कॉम या आपने नहीं जाना या किसी वजह से, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने परिवार के साथ, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि एक छोटी सी खुशी हजारों खुशियों को जन्म दे सकती है। डॉक्टर मदन कटारिया जी जो लाफ्टर क्लब के फाउंडर हैं, आज 70 कंट्री में उनका प्रोग्राम जो है ये लाफ्टर का चल रहा है, तो वो एक बात सभी को कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी को आज तक हंसी की वजह से मरते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं लाखों लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो जिंदगी में हंसना भूल गए हैं, वो सिर्फ परेशानियों को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और उन्होंने कभी खुशी को एंजॉय नहीं किया। तो मेरे ख्याल आज का ये जो प्रोग्राम है
ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारी आप सभी के लिए यही दुआ है कि आप सभी की हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। आपके पास भी अगर इसी तरह का कोई खास हुनर है और आप उसको जमाने के सामने लाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल शेयर कीजिए, हमारी टीम बहुत जल्दी आपसे संपर्क करेगी और आपके हुनर आपके स्किल को दुनिया के सामने हम लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते, लाभ।